हेलो फ्रेंड्स, कल मैंने आपको 3 असेसमेंट कंप्लीट कराए थे, आज फोर्थ असेसमेंट लेते हैं। थोड़ा ब्रीफ इस पे 153 ए अंडर सेक्शन सर्च एंड सीजर 153 ए नोटिस दिया जाएगा सर्च एंड सीजर के लिए, और इस असेसमेंट भी 153 ए में ही कंप्लीट किया जाएगा। सर्च एंड सीजर कब किया जाएगा आपका? जब असेसिंग ऑफिसर या उसमें कमिश्नर जॉइंट कमिश्नर्स की इसमें परमिशंस होती है, और किसी भी आपको असेसिंग के पास पाया जाता है कि गोल्ड या एक्स्ट्रा इनकम पाई जाती है, सर्च एंड सीजर का केस होता है। ये सेक्शन 132 में किया जाता है। जो सर्च की जाएगी वो सेक्शन 132 में की जाती है। नोटिस 153 ए का दिया जाता है असेसी के लिए, उसमें सारी डिटेल होती है कि हमने आपके पास इतना गोल्ड, इतना बुलियन, इतना स्टॉक, जो भी है बुक्स ऑफ अकाउंट, जो भी हमें पाया गया, और 153 ए में ही कंप्लीट इसका असेसमेंट किया जाएगा। कंपनी असेसिंग ऑफिस में सीज कर सकते हैं इसकी प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी को सीज कर सकते हैं कि इलीगल प्रॉपर्टी पाई गई इसके पास, जो एज पर डॉक्यूमेंट्स इनकम टैक्स के नहीं है, जो इनकम टैक्स रिटर्न 39(1) में फाइल की गई है, जो भी इसकी, तो ये इलीगल प्रॉपर्टी पाई गई है, डॉक्यूमेंट्स पाए गए हैं इसके पास, या कुछ गोल्ड पाया गया है, कोई बुलियन, जो भी आपके इससे रिलेटेड जो भी सारी चीज़ें, तो इसमें पाया गया है, 153 ए में लिया गया है। अब आता है 153 ए का जो नोटिस दिया जाएगा वो कब से कब तक किया जाएगा। या हम कह सकते हैं 132 में जो सर्च होगा वो कितने असेसमेंट ईयर का होगा। जब आपने सर्च कंडक्ट किया है उसके प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर से, कह सकते हैं कि 6 असेसमेंट ईयर तक, मैं आपको लैंग्वेज समझा देता हूँ उसकी। सिक्स असेसमेंट ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर ऑफ प्रीवियस ईयर, ये सिंपल लैंग्वेज टैक्स में लिखा हुआ है कि हम उस पीछे के 6 साल तक हम इसकी सर्च कर सकते हैं। अगर हमें सर्च एंड सीजर का 153 ए में नोटिस, 132 में हमने सर्च किया है, तो सिक्स असेसमेंट। इसके लिए एक एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ। जैसे सर्च स्टार्ट हुआ आपका सेक्शन 132 में 30/6/2013 को, ठीक है, 30/6/2013 को आपको सर्च स्टार्ट हुआ। ये हुआ आपका प्रीवियस ईयर, ये आपका हुआ आपका 30/6/2013 हुआ आपका प्रीवियस ईयर, 14/15 हुआ इसका असेसमेंट ईयर, ठीक है ना। ये कह रहा कि प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर ऑफ प्रीवियस ईयर, इस प्रीवियस ईयर के, मतलब 13/14 के है असेसमेंट, प्रीसीडिंग द प्रीवियस असेसमेंट ईयर। यहाँ प्रीसीडिंग का मतलब होता है एक असेसमेंट को छोड़ के उससे पुराना वाला, मीन्स यहाँ स्टार्ट होगा आपका 12/13 से, 12/13 से असेसमेंट ईयर, इसमें फिक्स है ना, तो 2007 8, 9, 10, 11, 12, 13 ये होंगे सारे असेसमेंट ईयर। जिस साल, जिस प्रीवियस ईयर में मैंने सर्च स्टार्ट किया सेक्शन 132 में,
उससे प्रिसीडिंग द असेसमेंट ईयर, उसका प्रिसीडिंग द असेसमेंट ईयर मीन्स हुआ 12-13, इसका 13-14 का, उससे पीछे के 6 साल तक हम सर्च उसकी इनकम का सर्चिंग कर सकते हैं, मतलब सर्च एंड सीज कर सकते हैं, जो भी उसने रिटर्न भरी होगी 139(1) में या 142(1) के नोटिस के ऊपर उसका कोई भी रिप्लाई दिया होगा असेसी ने, तो हम उसके इनकम को जस्टिफाई करने के लिए हम उससे कह सकते हैं, उसके बुक्स ऑफ अकाउंट में मांग सकते हैं, या कोई भी अगर ऐसा सौदा हुआ प्रॉपर्टी का हम उसे डिटेल ले सकते हैं। ये अपना हुआ नोटिस देने का, मतलब हम पीछे के 6 साल के लिए नोटिस दे सकते हैं सेक्शन 153A में, किसके लिए, सर्च के लिए, कि हम पीछे के 6 साल के भी हम सर्च करेंगे असेसमेंट ईयर वो भी। एग्जाम्पल को आप एक बार लिख लेना इस चीज के लिए, मैं वापस से एक बार बता देता हूं, 153 नोटिस इशूड ऑफ सर्च एंड सीज, सर्च स्टार्ट होने से 30/6/2013, ये कह रहा है सर्च स्टार्ट हुई आपकी 13-14 फाइनेंशियल ईयर में या प्रीवियस ईयर में, इसके प्रिसीडिंग द असेसमेंट ईयर, इसके प्रिसीडिंग असेसमेंट हुआ 12-13, क्योंकि ये लैंग्वेज जो प्रिसीडिंग है प्रिसीडिंग असेसमेंट ईयर, ये होता है एक असेसमेंट ईयर को छोड़ के पीछे वाला प्रिसीडिंग असेसमेंट ईयर, तो इसका असेसमेंट ईयर हुआ 12-13, प्रिसीडिंग द असेसमेंट ईयर 12-13, तो 12-13 से आप काउंट कर लो 6, डैट मीन्स 2007 से लेके 12-13 असेसमेंट ईयर, वो इन 6 साल के असेसमेंट ईयर का नोटिस इशू कर सकता है 153A में। एग्जाम्पल को आप एक बार लिख लेना, क्योंकि कन्फ्यूजन ये रहता है क्वेश्चंस एमसीक्यू क्वेश्चंस में आएंगे कि 153A का नोटिस कैसे दिया जाएगा, कब दिया जाएगा, टाइम लिमिट क्या है उसकी, और कोई एक केस स्टडी बना के दे दी उसके ऊपर, तो बिना एग्जाम्पल के आपको समझ में नहीं आएगा और ना ही बना पाओगे आप इसके लिए। अब होता है कि असेसिंग ऑफिसर जो भी, हाँ, सर्च एंड सीजर के लिए असेसिंग ऑफिसर के ऊपर राइट नहीं रहता, इसके लिए आपको डिप्टी कमिश्नर CIT अपील वगैरह की, CIT की जॉइंट कमिश्नर की परमिशन होना जरूरी है, उसके साइन होना बहुत जरूरी है। इसके बिना आप किसी के यहाँ रेड नहीं दे सकते, ना सर्च एंड सीजर कर सकते हैं। अभी कुछ टाइम पहले एक मूवी आई थी रेड अजय देवगन की, तो वो 153A में नोटिस का 132 में सर्च का उसके पास राइट थे और 153A का नोटिस दिया था उसने, तो उससे आप समझ सकते हो कि बिना सर्च एंड सीजर में होता क्या है, वो 10 दिन चले या 5 दिन, एक बार स्टार्ट होने का, स्टार्ट एंड एक कंक्लूड दोनों में डिफरेंस है। स्टार्ट होने पर, सर्च होने पर, तो उसके टाइम लिमिट स्टार्ट हो जाती है कि हम कितने साल का हम कर सकते हैं, और एक होता है कि इसका असेसमेंट असेसिंग ऑफिसर कब कंप्लीट करेगा। सर्च स्टार्ट होने पे वर्ड से हमें यही समझता है कि हम पीछे के 6 साल का हम यूज कर सकते हैं और हम इसके इनकम को हम जस्टिफाई या हम उसे पूछ सकते हैं। अब होता है कि हमने सर्च स्टार्ट कर ली और हमारी कंप्लीट भी हो गई, कंक्लूड हो गई, कंप्लीट सर्च, ये हुआ आपका, मान लो 3 दिन चली, 4 दिन चली या 1 महीने चली, आपकी सर्च कंप्लीट हो गई। अब असेसिंग ऑफिसर को सर्च कंप्लीट होने के असेसमेंट करना होगा 153A में ही कि सर हम इसको कितनी आपकी इनकम जस्टिफाई हुई। असेसमेंट का होता है कि जो भी हमने 1 महीने या 2 महीने हमने आपके सर्च किया, हमें इनकम एक्स्ट्रा पाई गई, तो हमें असेसमेंट करना होगा। इसके लिए 153 असेसमेंट, इसके लिए एग्जांपल लेते हैं, आपकी सर्च स्टार्ट हुई 29/3/2016, ठीक है, कंप्लीट हुई आपकी 15/4/2016। ये एग्जांपल इसलिए लिया कि इसमें फाइनेंशियल चेंज हो रहा है 2 दिन के लिए, तो मेरा ये है कि जिस फाइनेंशियल ईयर में सर्च कंप्लीट हुई है, जिस फाइनेंशियल ईयर में सर्च कंप्लीट हुई है, उसके 2 साल तक आपको असेसमेंट इसका करना होगा। जैसे इसका फाइनेंशियल कब कंप्लीट हो रहा है,
प्लस 2 ईयर्स मीन्स सर्च स्टार्ट होने में और कंप्लीट होने तक आपको असेसमेंट कब करना होगा असेसिंग ऑफिसर को, सर्च आपकी स्टार्ट हुई 29/3/2016, कंप्लीट हुई 15/4/2016। मैंने इसलिए एग्जांपल लिया क्योंकि फाइनेंशियल चेंज हो रहा है इसका, तो कन्फ्यूजन ना रहे। जब सर्च कंप्लीट हो जाती है उसके फाइनेंशियल ईयर एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में ख़त्म होने के बाद उसके साथ 2 साल और ऐड और करना इसके अंदर 31/3/2019 मीन्स इसकी लैंग्वेज आपको बनानी होगी। विदिन ए पीरियड ऑफ 2 ईयर्स फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर सर्च इज कम्प्लीट, जिस फाइनेंशियल में सर्च कंप्लीट हुई है वहाँ से उस फाइनेंशियल से 2 साल के अंदर अंदर आपको असेसमेंट कराना होगा। 153A में इसका 153A में असेसमेंट ऐसा कंप्लीट होने पर आ रहा है, इसके बाद अगर कंप्लीट होता है तो वैलिड नहीं होगा। अब एक क्वेश्चन ये आता है, इन विद इन 2 ईयर्स इन विद इन 2 ईयर्स में 153A का असेसमेंट रनिंग में कंप्लीट नहीं हुआ है तो उसके पास ऑलरेडी एसएससी के पास 143/33, 147 और 144 इसके नोटिस आए हुए हैं, इसके असेसमेंट होने बाकी हैं। तो जब तक 153A का ये असेसमेंट नहीं होगा ये सारे इनवैलिड हो जाएंगे, इनका कोई मतलब नहीं है, इन सभी की फाइल क्लोज होगी क्योंकि सर्च 153 के असेसमेंट में आपके ये सारे खुल जाएंगे, स्कूटनी, एस्केप इनकम और 144। अगर एसएससी कुछ नहीं कहते 144 में एक्स पार्टी कर देंगे 153 के भ्याप पे। 147 में आपने एस्केप इनकम का ये सेक्शन है 147, तो 153 में ऑलरेडी कवर हो रहा है ये क्योंकि उन्होंने इनकम छुपाई है। 143 स्कूटनी का है कि आपने असेसमेंट स्कूटनी में करना है, जब आपका 139/1 142/1 रिटर्न भर दिया आपने, स्कूटनी कब होती है जब आपको इनकम कम शो हो रही है एसएससी ऑफिस को 153 में, जब सारा कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि उसके यहाँ सर्च एंड सीजर चल रही है। अगर कोई केस इसका इन ड्यूरिंग द ईयर अपील में रिविजन में है वो रनिंग में रहेंगे, वो कभी बंद नहीं क्लोज नहीं होंगे, लेकिन 143, 147, 144 के सारे केस क्लोज हो जाएंगे क्योंकि तो उसका असेसमेंट 153 में कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अपील और रिवीजन में अगर कोई इसका किसी भी फाइनेंशियल ईयर किसी असेसमेंट ईयर की फाइल ओपन है, जैसे भाई ये मैंने लिया है 2007 से लेके, कोई एग्जांपल 2007 से लेके 2012-13 तक, इसमें मेरा 153A चल रहा है, ठीक है। इन ड्यूरिंग द पीरियड में अगर कोई नोटिस 143, 147, 144 का है तो सारे क्लोज हो जाएंगे वो नोटिस इन असेसमेंट ईयर के, ठीक है। अगर कोई इन असेसमेंट ईयर में अपील और रिवीजन का केस चल रहा है इन असेसमेंट ईयर में वो रनिंग रहेगा, वो कभी बंद नहीं होगा क्योंकि अपील रिवीजन का चल रहा है। अगर इनके अलावा कोई भी केस चल रहा है अपील रिवीजन में या 143, 147, 144 में वो कंटिन्यू चलेगा क्योंकि हमने तो बस सर्च एंड सीजर इन 6 साल की है, ठीक है। ये आप कंप्लीट हो गए 153A, आपके 4 असेसमेंट हुए आपके, 143/2 का हुआ, 147 का हुआ, 144 का हुआ और ये 153 का हुआ। इसमें सेक्शंस पूछ सकता है एमसीक्यू में कि इसका नोटिस किस सेक्शन में दिया जाता है, किस सेक्शन में इसका असेसमेंट कंप्लीट होता है, टाइम पीरियड क्या है कि हम कब तक नोटिस इशू कर सकते हैं, और दूसरा हमारा असेसिंग ऑफिसर कब असेसमेंट कंप्लीट कर सकता है उसका टाइम पीरियड। इन चारों के मैंने आपको छोटे छोटे एग्जांपल इसमें समझा दिए हैं तो आप उसी से, वैसे सेक्शन आपको याद नहीं रहेगी तो एग्जांपल से आप इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस को एक एक हर सेक्शन के नीचे आप उस एग्जांपल को लिख लेना, नहीं तो अदरवाइज ये समझ में नहीं आ पाएंगे सेक्शंस।
अब होता है कि इनकम टैक्स ऑफिसर में आपको एक हायरार्की होती है कि CIT, ITAT, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये कैसे आप जा सकते हो। सबसे पहले आता है असिस्टेंट ऑफिसर इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स ऑफिसर में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सबसे पहले इंस्पेक्टर आता है सबसे छोटा ग्राउंड लेवल पे। फिर असिस्टेंट ऑफिसर आ जाता है उससे थोड़ा हायर रैंक का। असिस्टेंट ऑफिसर ने कोई नोटिस दिया, उसने आपका असेसमेंट कर दिया 143(2) में या 144 में कर दिया, असिस्टेंट ऑफिसर ने एक्स पार्टी कर दिया, तो आप CIT अपील में जाना। आप पहले होता है, नीचे से लेता हूँ, इंस्पेक्टर सबसे लोअर पोस्ट इनकम टैक्स ऑफिसर में हमारे पास इंस्पेक्टर आएगा। उसके बाद होता है असेसिंग ऑफिसर, असेसिंग ऑफिसर के पास राइट होते हैं कि 143(2) में या 144 में आपको असेसमेंट कर सकता है उसके पास, लेकिन 147 के नहीं रहते। अगर ऑलरेडी मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि अगर आपका 147 में कोई नोटिस है, 148 में नोटिस है, 147 में आपका असेसमेंट हो रहा है, अगर आपका ऑलरेडी असेसमेंट 147 में 143(2) में हो चुका है, तो AO आपके लिए 148 का नोटिस इशू नहीं कर सकता। उसके लिए AC और DC वाला रैंक असिस्टिंग ऑफिसर का रहेगा। AC DC मीन्स असिस्टेंट कमिश्नर एंड डिप्यूटी कमिश्नर, प्लस जॉइंट कमिश्नर की अप्रूवल जरूर लगानी होगी आपको। अगर उसका ऑलरेडी नहीं हुआ हो 143(2) में 147 में, तो ठीक है, असिस्टिंग ऑफिसर का 147 में अप टू 4 ईयर्स वाले में क्राइटेरिया में आ जाएगा। और 6-16 में तो आपके लिए पहले से बता दिया कि असिस्टिंग ऑफिसर DC और AC रैंक का होना चाहिए, जॉइंट कमिश्नर होना चाहिए, और कुछ केसेस में CIT का जॉइंट कमीशन के साथ आपको ITAT की भी उसमें रिक्वायरमेंट होती है। इसके ऊपर आता है CIT। अगर असिस्टिंग ऑफिसर ने आपका केस 143(2), 147 और 144 स्कूटनी, एस्केप इनकम और एक्स पार्टी किसी भी सेक्शन में असेसमेंट कर दिया है, ठीक है, लेकिन असेसिक नाखुश है, नहीं सर मैं तो अपील में जाऊंगा, आपने जो मेरे को डिमांड निकाली है वो बहुत ज़्यादा है, आपने गलत किया है, मैं तो डिमांड में जाऊंगा, तो वो CIT अपील जाएगा। CIT अपील, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है, असेसिंग ऑफिसर ने 143(2) में, 147, 144 में आपका असेसमेंट कर दिया, लेकिन असेसी नाखुश है, उसने बोला नहीं सर आपने तो ज़्यादा डिमांड निकाली है या इंटरेस्ट की इनकम ज़्यादा निकाल दी आपने मेरे को, मैंने तो इतना है नहीं इसके लिए, तो वो उसके लिए क्या करेगा असेसी, CIT अपील में जाएगा। CIT अपील में जाने के लिए उसको जितनी डिमांड निकाली है, जितना अमाउंट निकाला उसका 15% ऑन डिमांड बाय AO, CIT अपील में जाने के लिए असेसी को जितनी डिमांड असेसिंग ऑफिसर ने निकाली 143(2), 147, 144 में, उसका 15% मीन्स 15% गवर्नमेंट को जमा कराना होगा CIT अपील में जाने से पहले। अदरवाइज अपील में नहीं जा सकता। जैसे आपकी डिमांड 2 करोड़ रुपए की निकाली है, तो उससे सबसे पहले 15 लाख रुपए गवर्नमेंट इनकम टैक्स ऑफिसर को जमा कराने होंगे। वो चेक, DD की कॉपी लगी रहती है, DD बनता है, इसमें चेक नहीं चलता, इसके अंदर DD गवर्नमेंट के पास रहेगा वो DD, जब तक उसका केस अपील में चलेगा, रनिंग में रहेगा। अपील से ना खुश होने के बाद वो ITAT इनकम टैक्स अथॉरिटी ITAT में जाएगा। ITAT के बाद आता है आपका हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट के बाद आता है सुप्रीम कोर्ट। जैसे अभी रिलायंस का केस चल रहा है, NCLT में पहुंच गया अनिल अंबानी का, जो उसके छोटे भाई का, सुप्रीम कोर्ट के बाद डिसीजन दे दिया कि सर उसको असेट्स को बेच दिया जाए, तो NCLT में उसका केस चल रहा है। तो ये हायरार्की होती है, सबसे पहले आता है इनकम टैक्स ऑफिसर या इंस्पेक्टर कह सकते असिस्टिंग ऑफिसर, CIT अपील में जाएगा, ITAT, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। ये आपसे पूछ सकते हैं MCQ में
सर सबसे लोअर पोस्ट कौन सी होती है? इंस्पेक्टर, फिर असेसिंग ऑफिसर होता है, फिर CIT अपील होता है। CIT में अपील में जाने के लिए आपको कितनी डिमांड का कितना पेमेंट करना हो, MCQ क्वेश्चंस बना कर दे सकता है वो उसके लिए, कि कोई भी असेसिंग ऑफिसर ने 143(2) में किसी भी असेसिंग की डिमांड निकाल दी उस 2012-13 फाइनेंशियल ईयर्स की, कोई भी एग्जांपल उसमें फिगर दे दी, तो अगर असेसी सी आई उससे नाखुश है तो वो CIT अपील में जाना चाहेगा। CIT अपील में जाने के लिए उस डिमांड का कितना परसेंट या कितना अमाउंट आपको DD के इनकम टैक्स ऑफिस में आपको जमा कराना पड़ेगा अपील में जाने से लिए, तो उसका आंसर है 15%, जो भी है। इसके लिए एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। अब इसके बाद टॉपिक है डबल टैक्सेशन का। डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट या डबल टैक्सेशन होता क्या है, पहले सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है, डबल टैक्सेशन है क्या चीज़ है? ये डबल टैक्सेशन मतलब होता है कि जैसे हम हमारे फादर या कोई भी है आउट ऑफ इंडिया कोई रह रहा है, वहाँ से कोई इनकम आई वो इंडिया में भी आ गई, वो इनकम मतलब वो वहाँ की आपकी आउट ऑफ इंडिया और उस इनकम को यहाँ इंडिया में लेकर आ गए, तो गवर्नमेंट कहती है कि सर आप उस इनकम पे, उस वाली इनकम पे आउट ऑफ इंडिया जो भी आपकी कंट्री रही वहाँ भी टैक्स डिडक्ट हो गया SSC का, और उस इनकम को उस फाइनेंशियल ईयर में वो इंडिया में उसने ट्रांसफ़र कर दिया लेकर आ गया, तो यहाँ भी गवर्नमेंट कहती है सर उस वाली इनकम पे आप हमको भी टैक्स दो। तो SSC कहता है सर मैं ऑलरेडी ये इनकम मैंने आपके इंडिया में नहीं कमाई है, मैंने ये आउट ऑफ इंडिया लेकर गया था और वहीं कमाई और वहीं मैं टैक्स डिडक्ट हो चुका है मेरा, तो मैं आपको इनकम क्यों दूँ, इस पे इस इनकम पे मैं आपको टैक्स क्यों दूँ? तो गवर्नमेंट कहती है जिस कंट्री में आपने पैसा कमाया उस कंट्री से हमारी ट्रीटी नहीं है, संधि नहीं है, तो जिस कंट्री से हमारी ट्रीटी या संधि नहीं है तो उस कंट्री पे अगर उस कंट्री का पैसा आप हमारे कंट्री में लेकर आओगे तो उस पे हमको टैक्स देना होगा। जैसे काफ़ी सारी कंट्री हैं इंडिया की जिसके साथ इंडिया का उन कंट्री के साथ ट्रीटी नहीं है, इसका सबसे डबल टैक्सेशन को समझने के लिए एक सिंपल सा एक एग्जांपल लेता हूँ, उससे सारा कुछ सबको समझ में आ जाएगा, अदरवाइज इसमें ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस पर जो डबल टैक्सेशन का जो भी क्वेश्चन आएगा तो एक नॉर्मल एक आपको MCQ क्वेश्चन में एग्जाम्पल दे देगा, कोई भी केस स्टडी बना के इसमें छोटा सा, और पूछेगा कि सर इसका टैक्स कितना बनना है या रिलीफ कितनी मिल रही है Section 89 में रिलीफ। आपके लिए एग्जाम्पल ले लेता हूँ, एक एक्स पर्सन है कोई, वो सिंगापुर गया, वहां से 10 लाख रुपए उसने कमाए अर्न किए। एक्स पर्सन है, वो बुक्स लिखता है, राइटर है ये, ठीक है, वहां उसने 10 लाख रुपए कमाए, वहां से सिंगापुर की गवर्नमेंट ने TDS डिडक्ट किया, मीन्स 50,000, ठीक है, कोई भी एक्सपर्सन राइटर है बुक लिखने का उस पर उसने सिंगापुर गवर्नमेंट ने 50,000 रुपये का TDS डिडक्ट कर लिया, 10 लाख रुपये की इनकम थी, वो इंडिया आ गया, इंडिया में उसने वह पैसा लेकर आया 9,50,000, ठीक है, इंडिया में वो पैसा लेकर आया 9,15,000, अब बुक को लिखने पे उसके खर्चे हुए एक्सपेंसेज 2,10,000 रुपये, अदर सोर्सेज की इनकम कुछ हुई उसकी, मीन्स आप मानो 1,50,000 रुपये, कोई भी एक्स पर्सन है वो सिंगापुर से
राइटर लिखता है कहाँ कुछ भी बुक्स वगैरह लिखता है, 10 लाख रुपए की इनकम हुई वहाँ की गवर्नमेंट ने 50,000 रुपये TDS काट लिया, वो इंडिया आ गया 9,50,000 रुपये लेके, 9,50,000 रुपये लेकर आए तो उसकी बुक्स पर लिखने पर उसके 2,10,000 रुपये खर्च हो गए उस पर, भाई पेपर लेकर आया, स्टेशनरीज वगैरह कुछ भी उसने राइटिंग में जो भी बाइंडिंग करवाई, बुक वगैरह जो भी खर्चे हुए ये PGP पे खर्च हो गए, क्योंकि इनकम भी PGP की है, अदर सोर्स से कुछ इनकम रही उसकी इंडिया में आने के बाद 1.5 लाख रुपए। अब हम डबल टैक्सेशन में उसका इंडिया से बाहर ही 50,000 रुपये टैक्स कट गया सिंगापुर में, यहाँ उसने कुछ इनकम कमाई तो इंडिया वाले कहते सर आप हमको भी इस पर टैक्स दो, तो गवर्नमेंट कहती है सर मैं आपको कैसे टैक्स दूँ उसके लिए, वो SFC कहता है कि मैं क्यों दूँ टैक्स, तो एक रिलीफ आती है कि सर जो भी इन दोनों में से कम होगा कैलकुलेट, मतलब हम टोटल इनकम को जो हम कमा के लाए और इंडिया में कमाए दोनों के एक दो फॉर्मूले हैं उनके अकॉर्डिंग जो भी विच एवर लोअर होगा रिलीफ 91 में आपको मिलेगी, उसकी सेक्शन रिलीफ 91, ये डबल टैक्स रिलीफ होती है। मैं फिर वापस समझाता हूँ कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ असेसमेंट ईयर मानो 12-13, ठीक है, एक्स परसेंट, ठीक है, PGBP का रॉयल्टी रिसीव, ₹10 लाख, ठीक है, आपको रॉयल्टी रिसीव हुई 10 लाख रुपए की, उस पर TDS डिडक्ट हो गया 50,000 रुपए का ऑलरेडी, माइनस एक्सपेंसेज 2,10,000 रुपये, सात लाख 40,000 रुपये रही, इसमें अदर सोर्सेज इनकम 1,50,000, ठीक है, आपकी टोटल इनकम कितनी हो गई, ग्रॉस टोटल इनकम 1,50,000। कोई बंदा आउट ऑफ इंडिया से सिंगापुर से आया या वहाँ से बुक लिखता है वहाँ यहाँ इंडिया में रहता है वो बंदा, उसकी कोई इनकम कोई भी पर्सन है कोई भी SSC है, 10 लाख रुपए की इनकम होती है उसकी, वहाँ से वो यहाँ ट्रांसफ़र होती है, TDS डिडक्ट हो गया सिंगापुर में 50,000 रुपये, इंडिया वाले भी कहते हैं सर आपकी इनकम यहाँ आई हुई है आपके पास 9.5 लाख रुपये TDS आफ्टर TDS, तो सर हमको भी इस पर टैक्स चाहिए क्योंकि आपने उस पर खर्चा भी किया इंडिया में रह के और जो भी है इसमें, तो हमको भी टैक्स चाहिए क्योंकि हमारी उसके साथ ड्यूटी नहीं है डबल टैक्सेशन। अब ये कहता है कि SSC सर मैं दो बार टैक्स क्यों, तो मुझे कुछ रिलीफ तो दिया जाए सर इस टैक्स के लिए, 50,000 रुपये मैं वहाँ कटवा चुका हूँ, अब 8,90,000 रुपये में मेरे को और भी टैक्स देना पड़ेगा। अब इसमें जो रॉयल्टी होती है एक सेक्शन होती है चैप्टर 6A की 80QQQB, जो भी आपको रॉयल्टी मिलती है उसमें मैक्सिमम जो डिडक्शंस मिलते हैं QQBB में वो 3 लाख रुपये मिलती है, भाई रॉयल्टी आपको 10 लाख रुपये मिल रही है, मैक्सिमम लिमिट 3 लाख रुपये उसकी, अगर आपको रॉयल्टी 2 लाख रुपये मिलती तो आपको डिडक्शन ही 2 लाख रुपये की मिलती क्योंकि मैक्सिमम 3 लाख रुपये विच एवरेज लोअर, आपकी टोटल इनकम
आपकी टोटल इनकम होगी 5,90,000 रुपये, टोटल इनकम 5,90,000 रुपये होगी। अब इस केस में आपकी टैक्स कितना लगेगा इसके लिए? आप रॉयल्टी रिसीव करके लाए 10 लाख रुपये, TDS ऑलरेडी डिडक्ट हो गए 50,000 रुपये का, 9,50,000 रुपये बचा, एक्सपेंसेज हो गए खर्चे के लिए 2,10,000 रुपये, अदर सोर्स इनकम आपको 1,50,000 रुपये आ गए इसके अंदर। जो हमने TDS डिडक्ट किया था उसको वापस से हम यहाँ ऐड करेंगे इसके अंदर, क्योंकि एक बार लेस करके, क्योंकि 10 लाख रुपये की इनकम आई, वहाँ TDS डिडक्ट हो गया, अब टैक्स कैलकुलेशन करने के लिए हम इसमें ऐड कर देंगे इसके अंदर। ₹50,000 तो आपकी इनकम हो जाएगी 6,40,000 रुपये। रॉयल्टी रिसीप्ट आई मेरे पास 10 लाख रुपये, TDS डिडक्ट हो गए 50,000 रुपये, एक्सपेंसेज हुए मेरे कुछ भी 2,10,000 रुपये, अदर सोर्स इनकम 1,50,000 रुपये, TDS डिडक्ट ऐड कर दिया और चैप्टर 6 की डिडक्शन मैंने ले ली रॉयल्टी की। 6,40,000 रुपये पे आज की डेट में, अगर असेसमेंट ईयर आप ऐसा करो उसको 2021 कर लो, और 2021 ठीक है, 2021 मीन 19-20 का फाइनेंशियल ईयर, उस टाइम पे मेरी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कितनी थी? 60 साल से कम था तो बेसिक एग्जेंशन में 2,50,000 से कम क्यों हो गए? फाइव परसेंट 12,500 ठीक है, और 5 लाख है अबव 1,40,000 20%, 28,000 ठीक है, ये हुआ आपका 5, 8, 2, 10, 2, 4,050, 500 प्लस 4% सेस आपके हो गए 1,620। आपका टोटल टैक्स असेस ही ये कहता है कि 10 लाख रुपए की इनकम में आउट ऑफ इंडिया से कमाया मैंने, 1,50,000 रुपए की इनकम मैंने यहां कमाई इंडिया में, इंडिया में बैठ के टोटल इनकम हो गई, मैंने टोटल इनकम पर मैंने 42,120 रुपए टैक्स बन रहा है। अब असेस ही कहता है सर मेरा 50,000 रुपये तो ऑलरेडी कट चुका मेरा सिंगापुर में, तो मैं यहाँ टैक्स क्यों पे करूँ यहाँ 42,000 रुपये, 120 रुपये इंडिया में टैक्स 42,000 रुपये बन रहा है और मैं ऑलरेडी 50,000 रुपये वहाँ कटवा चुका हूँ, तो मैं दो दो बार टैक्स क्यों पे करूँ? गवर्नमेंट कहती है ठीक है आप दो बार टैक्स मत करो, लेकिन जो इंडिया में टैक्स बन रहा है मैं 42,120 रुपये इसमें से कुछ मैं रिलीफ दे दूंगा सेक्शन 91 की, जो आप वहाँ कमा के लाए हो जो आपको TDS वहाँ कटा हुआ है, तो अब हम रिलीफ कैलकुलेट करने के लिए कैसे करेंगे? 42,120 फर्स्ट ये आता है टैक्स ऑन टोटल इनकम इन इंडिया डिवाइडेड
टोटल इनकम डबल टैक्सेशन के निकालने के लिए दो फॉर्मूले हैं, विच एवरेज लोअर, इसकी जो भी कम होगा वो रिलीफ 91 कहलाएगा, और उसके हम जो टैक्स इंडिया में बना 42,000 उसमें से इसको लेस करके जो नेट ऑफ आएगा वो उसे पे करना पड़ेगा इंडिया में। फर्स्ट है टैक्स ऑन टोटल इनकम इन इंडिया, ये कहना चाह रहा है जो इंडिया में आपकी टोटल इनकम हुई है आउट ऑफ इंडिया की इंक्लूड कर ली, उसमें हमने 10 लाख रुपये आपने इंडिया में 1.5 लाख रुपये कमाई हो अदर सोर्सेज किया और कोई भी इनकम कमाई हो उस पर जो टैक्स बन रहा है वो यहाँ इस वाले कॉलम में आएगा। टोटल इनकम इन इंडिया, आपकी इंडिया में कितनी टोटल इनकम रही आफ्टर डिडक्शन चैप्टर 6 से, कोई भी रिलीफ लेने के बाद आपकी टोटल इनकम इंडिया में कितनी रही, इस इनकम में हमने सारी इनकम ऐड की है आउटसाइड इंडिया की और इन इंडिया की। सच डबल टैक्स इन टैक्स ऑन इनकम, ऐसी कौन सी इनकम जिस पर दो बार टैक्स पे करना पड़ रहा हो, 10 लाख रुपये आउटसाइड इंडिया से आए ठीक है, उसमें से मैंने 2,10,000 रुपये लेस कर दिए खर्चे के क्योंकि मेरे 10 लाख रुपए उसमें से कमाए थे और उस पर 2,10,000 रुपये मेरे जो भी मैंने बुक्स लिखी थी बाइंडिंग वगैरह जो भी खर्च थे उसमें से हुए और उसमें से मेरे को 3 लाख रुपए की रॉयल्टी मिली, तो मेरे को नेट ऑफ इनकम आई इसमें इस वाले भाई ये कहना चाह रहे सच डबली टैक्स ऑन इनकम, ऐसी इनकम बताओ जिस पर मेरे को दो बार टैक्स देना पड़ रहा हो, इनकम कौन सी 10 लाख रुपये, उस पर खर्चे कितने हो गए मेरे 2,10,000 रुपये और 3 लाख के रिवेट, क्योंकि उसी इनकम पे मैं 50,000 रुपये तो TDS वहाँ जमा करा डिडक्ट हो गया मेरा आउटसाइड इंडिया और उसी इनकम को यहाँ इंडिया में वापस से ऐड कर रहा हूँ और मुझे यहाँ भी टैक्स देना पड़ रहा है, तो यहाँ इस वाले पोर्शन में हम अदर सोर्सेज इनकम या ऐसी कोई इनकम नहीं लेंगे जो हमारी इंडिया की ही हो, बस इस वाली इनकम में वो वाली इनकम लेंगे जो हमारी आउटसाइड इंडिया से है जिस पर हमें 2 बार टैक्स देना पड़ रहा हो या वहाँ भी डिडक्ट हो गया और यहाँ भी हो गया हो। दूसरे में कहता है टैक्स ऑन टोटल इनकम आउटसाइड इंडिया, जो आउटसाइड इंडिया से जो टोटल इनकम हुई थी उसमें मेरा टैक्स कितना डिडक्ट हुआ, तो मेरा टैक्स कितना डिडक्ट हुआ 50,000 रुपये यहाँ, ये कह रहा टैक्स ऑन टोटल इनकम आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया से जो भी मैंने इनकम कमाई है जो भी किया है उसमें मैंने कितना टैक्स पे किया। नीचे वाला आता है टोटल इनकम आउटसाइड इंडिया, ये कहना चाह रहा है कि मैंने जो भी इनकम कमाई है आउटसाइड इंडिया से उसकी टोटल इनकम कैसे है, यहाँ मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया कि बस मैंने सिंगापुर से 10 लाख रुपए की इनकम कराए, हो सकता है मेरी US से भी मेरी रॉयल्टी की इनकम आ रही हो 5 लाख रुपए की, UK से भी आ रही हो, लेकिन वहाँ हमारी ट्रीटी है गवर्नमेंट की कि अगर वहाँ एक बार टैक्स डिडक्ट हो गया है तो इंडिया में आपको नहीं देना पड़ेगा, तो यहाँ उस इनकम को यहाँ लूँगा लेकिन यहाँ डबल टैक्स मैं नहीं ले पाऊँगा उसको क्योंकि मेरा उस पर इनकम पर टैक्स नहीं लग रहा है इंडिया में, तो और सच डबल टैक्स ऑन इनकम ठीक है। ये फॉर्मूले आप नोट कर लेना, डबल टैक्स में जो क्वेश्चन आएगा वो ऐसा ही आएगा सिंपल सा कि मैं आउटसाइड इंडिया का कमा रहा हूँ और इंडिया में मैं इतनी इनकम कमा रहा हूँ तो दोनों का डिफरेंस क्या है। अब सच डबल टैक्स ऑन इनकम ये कैसे निकालूंगा मैं, आप 10 लाख रुपए की इनकम लेकर आए थे रॉयल्टी की आउटसाइड इंडिया से ठीक है, 2,10,000 रुपये का आप खर्चा हो गया, कितना बचा 7,90,000 ठीक है, आप 10 लाख रुपए की इनकम आपने कोई कमाई उस पर 2,10,000 रुपये आपने खर्चा कर दिए बाइंडिंग में स्टेशनरी में जो भी है, 3 लाख रुपए की चैप्टर 6 से QQB की रिबेट मिल गई इंडिया में, तो आपकी टोटल इनकम 10 लाख रुपए जो QQB की जो एग्जेम्पशन में लिए वो 10 लाख रुपए से मिली है मेरी, अगर ये वाली इनकम आउटसाइड इंडिया की नहीं होती तो मेरे को QQB की इनकम ही चैप्टर 6 की डिडक्शन नहीं मिलती, अगर 10 लाख रुपए की इनकम नहीं होती तो मेरे एक्सपेंसेस भी नहीं होते क्योंकि मैं इंडिया में बैठा हूँ, मैं यहाँ बुक लिखता हूँ मेरी वहाँ से रॉयल्टी आ जाएगी उस बुक की, तो मैंने 10 लाख रुपए की इनकम ली एक्सपेंसेस की है इस पे कि मेरी एक्सपोर्ट हुई यहाँ से बुक, मेरी फ्लाइट के खर्चे हो गए फ्लाइट के और मेरी बैंडिंग वगैरह जो भी हो वॉट एवर,
तो मेरी 4 लाख रुपए की ऐसी इनकम है जिस पर 2 बार टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने 50,000 रुपये वहाँ डिडक्ट करवा चुका हूँ और यहाँ मेरा 42,000 रुपये टैक्स बना है इस इनकम को ऐड करने के बाद। फर्स्ट में कैसे टैक्स ऑन टोटल इनकम इन इंडिया, मेरा टैक्स कितना बनना है इंडिया में 42,120 रुपये। ठीक है, टोटल इनकम इन इंडिया, इंडिया में कितनी टोटल इनकम हुई 6,40,000। सच डब्ल्यू टैक्स 4,90,000। टैक्स ऑन टोटल इनकम इन इंडिया, मेरी इनकम कितनी बन रही है 42,120 रुपये। टोटल इनकम इन इंडिया 6,40,000 रुपये मेरी इनकम यहाँ पर है, और डबल टैक्सेशन 4,90,000 रुपये जो बन रहा है, जो भी इसमें आएगा टैक्स, ये टैक्स होगा। अब आते हैं यहाँ टैक्स ऑन टोटल इनकम आउटसाइड इंडिया 50,000। टोटल इनकम आउटसाइड इंडिया 10 लाख रुपये इंटू 2x टैक्सेशन कैसे निकालेंगे, टैक्स ऑन टोटल इनकम इन इंडिया, इंडिया में मैंने इतना इनकम पे टैक्स 42,120 रुपये बना, इंडिया में मेरे 6,40,000 मेरी इनकम हुई, 4,90,000 रुपये ऐसी एक फिगर आई जो इस पर मेरे को 2 बार टैक्स देना पड़ रहा है। वैसे ही हम टैक्स ऑन टोटल इनकम आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया मैंने टैक्स कितना पे कर आ गया 50,000, आउटसाइड इंडिया से मेरी इनकम कितनी है 10 लाख रुपीज़, और मेरे को डबल टैक्स 4,90,000 रुपये देना पड़ रहा है। अभी कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, 7,63 इसका कैलकुलेशन करने के बाद आएगा आपका 7,63 16,596 और 5,59 अब आता है अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 8,40,000 अप्रॉक्सीमेटली पॉइंटों में आएगा। वैसे इसका कैलकुलेशन तो कैलकुलेटर पे करना पड़ेगा मेरे को। ठीक है 32,248 और इसमें कैसे आएगा, इसका तो सिंपल है, चार जो से गई और 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6 इसका आएगा आपका 2,5,45 84 24,500 रुपये। आपने जो इनकम इंडिया में कमाई उस पर हमने कैलकुलेशन किया तो 32,248 रुपये आया, और यहाँ आया टैक्स ऑन टोटल इनकम आउटसाइड इंडिया 24,500, तो रिलीफ आपको कितने की मिलेगी, टैक्स टोटल टैक्स इंडिया में कितना आ रहा है, बयालीस हजार एक सौ बीस लेस रिलीफ सेक्शन 91 24,500, तो नेट ऑफ टैक्स 0 2
17,620 रुपये आपको टैक्स पे करना होगा। वापस से मैं आपको बता दूं, मेरी कोई रॉयल्टी रिसीव हुई 10 लाख रुपए की आउटसाइड इंडिया से। मैं इंडिया में रहता हूँ, मेरे बुक्स काफ़ी कंट्रीज में सोल्ड आउट होती हैं। 10 लाख रुपए की कोई रॉयल्टी रिसीव हुई, मेरे उस बुक्स पर खर्चा होगा, वहाँ मेरा TDS कट गया 50,000 रुपये या 60,000, जो भी अमाउंट टैक्स कट चुका उस रॉयल्टी पर मेरा इंडिया में 2,10,000 रुपये, 2 या 2.5 लाख जो भी है आपका एक खर्चा हुआ, मेरे और भी इनकम हुई यहाँ मेरी 1.5 लाख रुपये की यहाँ वगैरह, तो मेरी टोटल इनकम। अब इंडिया वाले कहते हैं सर आपका SSC कहता है कि आउटसाइड इंडिया सर मेरा ऑलरेडी इस इनकम पर मेरा टैक्स डिडक्ट हो चुका है, तो मैं इंडिया में उस इनकम पर टैक्स क्यों दूँ? गवर्नमेंट कहती है सर हमारी उसके साथ कोई ट्रीटी नहीं है, तो आपको यहाँ पे भी मेरे को टैक्स देना होगा। लेकिन हम इतना रिलीफ कर सकते हैं, जो टैक्स जो टोटल इनकम पे इंडिया में जो टैक्स बन रहा है और आउटसाइड इंडिया बन रहा है, जो भी विचेवर लोअर होगा उस रिलीफ में सेक्शन 91 के, वो हम इतना कर सकते हैं। तो हमने ऐसे ही जैसे कैलकुलेशन करने के पर हमारे इंडिया में जो टैक्स बना वो बना 42,120 रुपये। अब SSC कहता है सर 50,000 रुपये मैं ऑलरेडी कटवा चुका हूँ उससे टैक्स पे, तो मैं 42,000 रुपये क्यों पे करूँ इस चीज़ के लिए? तो गवर्नमेंट कहती है ठीक है सर, हमने आपको ये फार्मूला दे रखा है, आपने जो भी इनकम आउटसाइड इंडिया कमाई है और इंडिया में कमी है, इसके विच एवर इज लोअर, जो भी बनता है लोअर, इसकी आपको सेक्शन 91 में रिलीफ, आपको रिलीफ मिल जाएगी। जब हमने इंडिया के में लगाया तो 32,248 रुपये का बन रहा था उस डबल इनकम पर टैक्स, ये जो टैक्स बना है वो डबल इनकम पर बन रहा है, और आउटसाइड इंडिया बना 24,500 रुपये। तो विच एवज लोअर हमने लिया, विच एवज लोअर लिया, तो टोटल टैक्स इंडिया में बन रहा था 42,120 रुपये, इसमें से रिलीफ 91 के लिए ली 24,500, आपको अभी भी 17,620 रुपये पे करना पड़ा। मीन्स ओवरऑल टैक्स कितना हो गया 50,000, 17,620 रुपये, 67,620, ये आउटसाइड इंडिया हो गया, ये इन इंडिया हो गया। अच्छा, इन्हें टोटल टैक्स 67,620 रुपये पे किया है। डबल टैक्सेशन में बस सेक्शन पूछ सकता है कि सर रिलीफ किस सेक्शन में मिलेगा, सेक्शन 91 में मिलेगा वो रिलीफ आपको मिलेगा, और कोई भी एक छोटा सा MCQ क्वेश्चन बोल सकता है कि सर आपको कितना टैक्स का रिलीफ मिला है और कितना कैसे आया है, तो छोटा सा एग्जांपल है, इसको आप नोट कर सकते हैं, बहुत सिंपल एग्जांपल है कि मेरी वहाँ से रॉयल्टी आई, इसमें मेरे को कितना मिला कैसे मिला जो भी है। अब आता है आपका एक छोटा सा टॉपिक है एडवांस टैक्स, TDS, रिफंड ऑफ टैक्स, इन टॉपिकों में TDS हुआ, एडवांस टैक्स हुआ और रिफंड ऑफ एडवांस टैक्स की लाइबिलिटी कब आती है किसी भी SSC के ऊपर? अगर किसी SSC की टोटल इनकम पर टैक्स 10,000 से ज़्यादा किसी भी फाइनेंशियल ईयर में बन रहा है, मींस किसी भी SSC फर्म हुई, HUF हुआ, या आपकी पार्टनरशिप फर्म हुई, कंपनी हुआ, या सोसाइटी हुई, कोऑपरेटिव सोसाइटी हुई, AOP हुआ, एसोसिएशन ऑफ पर्सन हुआ, या BOI हुआ, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, किसी भी SSC की अगर पूरे साल में, पूरे फाइनेंशियल ईयर में 10,000 रुपये से ऊपर, 10,000 से ज़्यादा आपका टैक्स बन रहा है आपकी इनकम पर, तो आपके ऊपर एडवांस टैक्स की लाइबिलिटी आ जाती है। एडवांस टैक्स की लाइबिलिटी 10,000 से ऊपर आ जाती है। अब एडवांस टैक्स की लाइबिलिटी आ जाती है, या तो SSC खुद सेल्फ उसको जमा करा दे, जमा कराने की 4 डेट्स होती हैं इसमें, एडवांस टैक्स की लाइबिलिटी कब आती है? व्हेन
किसी भी फाइनेंशियल ईयर में किसी भी एसएससी की टोटल टैक्स अगर 10,000 रुपये से ज़्यादा एक्सीड कर रहा हो, या एसएससी फर्म हो सकता है, फर्म, कंपनी, इंडिविजुअल, एचयूएफ, बीओआई, एओपी या सोसाइटी, जो भी रजिस्टर्ड सोसाइटी हैं, अगर उनकी इनकम पे टैक्स 10,000 रुपये से ज़्यादा किसी भी फाइनेंशियल ईयर में बने, तो उनके ऊपर एडवांस टैक्स की लाइबिलिटी आ जाएगी। अब एडवांस टैक्स एक होता है टीडीएस और एडवांस टैक्स। अगर किसी एसएससी का टीडीएस डिडक्ट नहीं हो रहा है, नहीं कटवाना, उसने 15GH फॉर्म दे दिया है, दो फॉर्म होते हैं, 15G और एच, 60 साल से कम वालों के लिए, 60 साल से ज़्यादा वालों के लिए, अगर वो फॉर्म देता है किसी बैंक में या वगैरह, तो वो टीडीएस नहीं काटते, तो एसएससी या तो खुद जमा करा दे एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स हर क्वार्टर के ख़त्म होने के 15 दिन पहले तक उसकी लास्ट डेट रहती है। जैसे इसकी बता देता हूँ मैं आपको टाइम पीरियड ऑफ डिपॉजिट। एडवांस टैक्स जमा कराने का टाइम पीरियड क्या है डिपॉजिट कराने का? फर्स्ट क्वार्टर मीन्स अप्रैल टू जून का, 15th of June डेट पूछ सकता है वो, ठीक है। 15 जून तक आप जमा करा सकते हो। सेकंड क्वार्टर जुलाई टू सितंबर, सितंबर एडवांस टैक्स जमा कराने की लाइबिलिटी कब आती है? जब आपका टोटल टैक्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर में 10,000 से ज़्यादा बन रहा हो, एमसीक्यू में पूछ सकता है। सेकंड क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछ सकता है कि सर टाइम पीरियड क्या है एडवांस टैक्स जमा कराने का? अप्रैल टू जून, फर्स्ट क्वार्टर होता है 15th of June। इसमें भी 15% ऑफ जो भी आपका टैक्स बन रहा हो, 45%, 75% और 100% एडवांटेज रेट। आपका फर्स्ट क्वार्टर अप्रैल टू जून का है, आपको 15 जून तक आपको जमा कराने की डेट है, आपको 15 जून तक आप एडवांस टैक्स के नाम से आप पेमेंट जमा करा सकते हो। कितना? 15%, 15%, ठीक है, जो भी आपका टैक्स बन रहा हो उसका 15% आप जमा करा सकते हो ओवरऑल का। सेकेंड क्वार्टर की डेट क्या है? जुलाई टू सेप्टेम्बर, 15th of September, 15 सितंबर तक आप उसको एडवांस टैक्स को जमा करा सकते हो। कितना? 45%। 45% कैसे निकालेंगे? टोटल टैक्स आपका 5 लाख रुपए बन रहा है, उसका 15% आप ऑलरेडी जमा करा चुके हो, तो उसका 45% आपको जमा कराना है। थर्ड क्वार्टर का अक्टूबर टू दिसंबर, 15th of December, 75%, मतलब इस डेट तक 75% जमा हो जाना चाहिए। तो आप 60 ऑलरेडी जमा करा चुके हो, तो आपको कितना जमा कराना है? 25% इसका टोटल टैक्स का। फोर्थ क्वार्टर में जनवरी टू मार्च, 15th of March, 100%। ये डेट आप याद रख लेना। दूसरा तरफ 15, 45, 75 एंड 100, इसका मीनिंग होता है कि आपको फर्स्ट क्वार्टर 15% ओवरऑल टैक्स का, यहाँ 45%, आप 45 में से 15 ऑलरेडी जमा करा चुके हो, मतलब ये कहता है 15 सितंबर तक मेरा 45 हो जाना चाहिए। 15 ऑलरेडी जमा करा चुके हो, तो आप कितना जमा कराना होगा? 30%। दिसंबर तक ये कहता है कि 75% जमा हो जाना चाहिए ओवरऑल टैक्स का मेरे का, तो ऑलरेडी आप 60 तो जमा करा चुके हो, 45 और 60, जब तो यहाँ कितना जमा कराना है? 75%।
और यहाँ आपको 25% जमा कराना होगा कि मेरा 15 मार्च है 100%। अगर थोड़ा बहुत चल जाता है कि अगर आपका कोई थोड़ा बहुत टैक्स रहेगा तो कोई बड़ी बात नहीं है कि इंटरेस्ट के। हाँ, अगर आपने ओवरऑल टैक्स आपने कम जमा कराया एडवांस टैक्स 15 मार्च तक, अगर आपने 15 मार्च तक टैक्स कम जमा कराया है तो फिर आप जब रिटर्न फाइल करोगे उस पर इंटरेस्ट की लायबिलिटी आ जाएगी 234A 234B एंड 234C। एडवांस टैक्स में तीन सेक्शन है, 234A 234B एंड 234C। इन तीनों पे क्वेश्चंस बनकर आ सकते हैं। कोई भी आपको एक प्रैक्टिकल या कोई केस स्टडी दे दी कि सर इतना एडवांस टैक्स है, इतना इन्होंने जमा नहीं कराया, तो सेल्फ असेसमेंट टैक्स मीन्स जब आप रिटर्न फाइल कर रहे हो 139(1) सेक्शन में, तो सेल्फ असेसमेंट टैक्स आपको जमा कराना पड़ेगा क्योंकि एडवांस टैक्स आपने कम जमा कराया। आपका TDS कटा है या नहीं कटा, मतलब दोनों केस में, लेकिन आपका फिर भी आपका टैक्स बन रहा है, तो वो टैक्स जो होगा वो सेल्फ असेसमेंट टैक्स कहलाएगा। उस पर इंटरेस्ट वगैरह लगेगा, जो भी है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में लूँगा। इस पर एक एग्जांपल भी दूंगा इसका कि एडवांस टैक्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं 15, 45, 75, 100% 234A, B, C में कैसे इसका इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा, इंटरेस्ट की रेट क्या होगी और कैसे इसका सेल्फ असेसमेंट टैक्स में कैसे कैलकुलेट होगा। नेक्स्ट क्लास में आपको एडवांस टैक्स एंड TDS का चैप्टर क्लोज करूँगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, थैंक यू।